गुड आफ्टरनून एवरी वन. वी विल स्टार्ट टूडे अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स एंड द चैप्टर नेम इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. नॉट इज वट यू आर सींग इन ऑल थ्रू द सोशल मीडिया, टीवी एंड न्यूज पेपर. सो मेनी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कीपिंग आवर हाइजीन. वॉश हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 seconds विद सोप और हैंड वॉश. यूज हैंड सैनिटाइजर. कीप सोशल डिस्टेंसिंग. Use mask whenever you are going in a public place. So these kind of instruction are very common nowadays. Wherever we see in newspaper, TV, social media, is this kind of instruction are given. And many times a day. Why? Because this is related to our health. As you all know, we are facing a global health situation which is very alarming. We are fighting with a disease which we don't know the cure, and it's only still now its only cure is we have to take some precautions. So आजकल क्या चल रहा है? हाथ धो और दिन में कई बार धो, 20 seconds तक धो सोप से या हैंड वॉश से. अगर आप सोप और हैंड वॉश नहीं यूज करते हैं तो हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए. सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाथ न मिलाइए, नमस्ते करिए, मास्क यूज कीजिए. ये सब कुछ क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज सब जगह बोला जा रहा है, न्यूज़पेपर्स पे, सोशल मीडिया पे. क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है. आजकल हमारे हेल्थ के बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं बिकॉज एक वायरस की वजह से हम लोग सब परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है. वाई? क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक. सो हम क्या देख रहे हैं कि हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है. आजकल पूरी दुनिया किस एक चीज पे के लिए परेशान है? टू स्टे हेल्दी. ठीक है ना? तो हेल्थ इज एन एस्पेक्ट जो कि भारत में बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रहा है. वी आर नॉट गिविंग मच इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ. ओके, As I told you that health has nowadays become very very important thing. हमारे health को लेकर आजकल हम लोग बहुत चिंतित है और ये सबसे important चीज हो गई है. Now constitution, हमारे देश का संविधान, health के बारे में क्या कहता है? कि हमारे देश का constitution health जो हमारा है उसके बारे में इसकी क्या भूमिका है? The Constitution of India advocates that the state shall endeavor to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health. In short, कहने का मतलब ये है that Constitution of India ये बताता है कि जो state है वो इसकी जिम्मेदारी लेगा. किस चीज की? कि हमारा public का health अच्छा रहे, उसे proper nutrition मिले. ये हेल्थ की हेल्थ को की सिचुएशन को देखना स्टेट की जिम्मेदारी है. ठीक है? एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू द बेसिक एमिनिटीज नीडेड टू कीप गुड हेल्थ. हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो उसको अपने हेल्थ को सही रखने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिले. गुड हेल्थ का मतलब क्या है? गुड हेल्थ मीन्स यू शुड बी good physical health also, good mental health also and spiritual well-being. ठीक है? spiritual मतलब भक्ति से related है. this is मतलब आप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे. ठीक है? so you are seeing that constitution का इस पे भी role है हमारे देश में. that in हमारे देश में क्या, हर देश में तो स्टेट इज गोइंग टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द पब्लिक हेल्थ टू कीप द न्यूट्रिशन लेवल हाई ऑफ द ऑफ हिज सिटीजन. सो टू कीप द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? ओके, सो फॉर दिस the government has taken many steps through public awareness program to keep the public's physical health, mental health in a good condition. The government has taken many public awareness program, matlab janta ko jagruk karne ke liye bahut sare programs
सरकार ने बनाए। एक दो एग्जांपल मैं दूंगी। फॉर एग्जांपल यू ऑल नो अबाउट दिस स्वच्छ भारत अभियान। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है एंड फॉर दिस मेनी काइंड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। बहुत तरह से इस जागरूक करने का कोशिश किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान मीन्स टू गो थ्रू द हेल्दी हैबिट्स, टू इम्प्लीमेंट द हेल्दी हैबिट्स। दिस इज ऑल इंक्लूड द स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। एंड राइट नाउ करेंटली वी आर गोइंग थ्रू द अवेयरनेस प्रोग्राम। द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट हाउ टू फाइट विद COVID-19, जस्ट स्टिल गोइंग ऑन। अभी रिसेंट में हम लोग सबको पता है वी आर गोइंग थ्रू फाइट विद COVID-19। इसके लिए सब कुछ अभी तुम देखो TV, न्यूज़पेपर, कहीं भी देखो, यू आर हैविंग न्यूज़ ऑन कोरोना वायरस एंड यू आर हैविंग न्यूज़ ऑन हाउ टू फाइट विद COVID-19 अपडेट्स, डेली अपडेट्स वी आर गेटिंग। तो रिसेंटली तो इसमें सरकार ने पूरा लोगों को मदद कर रहे हैं। ऑल द टेस्टिंग्स आर गोइंग ऑन। कोविड हॉस्पिटल्स हैव बीन बिल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसको हम तो नहीं बना रहे हैं, हमारी सरकारें इसको कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन। सो दिस इज द रिसेंट वर्क विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया। अभी रिसेंट में COVID-19 से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। सो इन दिस अप टू दिस एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इज वी विल गो थ्रू सम मोर टॉपिक्स। ओके, सी यू इन द क्लास।